Hey guys, I am Sheenam. Welcome back to my channel. I hope you all are doing good. तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम की खट्टी मीठी मसालेदार चटनी, जिसे हम आम की लौंजी भी कहते हैं। इसे हम एक साल तक स्टोर भी कर सकते हैं। आपको वीडियो में आगे पता चलेगा कि कैसे स्टोर करना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो कच्चे आम ले लिए हैं, यानी कि 500 ग्राम कच्ची कैरी। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है और अच्छे से सुखा लिया है। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ के मैंगो लिए हैं, क्योंकि इनको ग्रेट करने में थोड़ा सा इजी रहता है। तो सबसे पहले हम ऊपर से इनका छिलका उतार देंगे। तो मैंने दोनों आमों को अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको ग्रेट करेंगे। आप मोटे वाला साइड भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पतले वाला साइड भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ये वाला साइड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें, अगर ग्रेट नहीं करना चाहते तो आप इसे पतली पतली स्लाइसेस में कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इन्हें अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसको लो फ्लेम पे रखा है। जो मैंगोस हमने ग्रेट किए थे उनको पैन में डाला है। यहाँ पर मैंने कोई भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। 150 ग्राम शुगर हम इसमें डालेंगे और सेम ही अमाउंट हम जैगरी का यूज़ करेंगे, यानी कि 150 ग्राम गुड़ हम इसमें डालेंगे। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने गुड़ को कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने शुगर और गुड़ की सेम अमाउंट यूज़ की है। 5 मिनट के बाद शुगर अच्छे से मेल्ट हो गई है और जैगरी के कुछ पीसेस बचे हैं। तो 10 मिनट के बाद शुगर और जैगरी, ये देखिए, अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो 500 ग्राम मैंगोज में यहाँ मैंने 300 ग्राम जैगरी प्लस शुगर का यूज़ किया है। आप चाहें तो पूरा 300 ग्राम जैगरी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 300 ग्राम शुगर का भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू। तो हम फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और कंटिन्यूसली इसे स्टर करते रहेंगे। यहाँ पर मैंने ये कट किए हुए कुछ बादाम डाले हैं। रेजिन्स यानी कि किशमिश को हम बाद में डालेंगे। आप अपनी चॉइस का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून डालेंगे नमक, मिक्स करेंगे अच्छे से। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। 2 से 3 मिनट अभी इसे और पकने देते हैं और मीनवाइल हम अपना जो मसाला इसमें डालेंगे उसे तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लो फ्लेम पे एक पैन रखा है, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून सौंफ का, 1/2 टीस्पून डालेंगे जीरा और 1/2 टीस्पून डालेंगे मेथी के सीड, जो मेथी दाना होता है। 8 से 10 काली मिर्ची डालेंगे। इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो एज इट इज़ ऐसे खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पर इसे पाउडर फॉर्म में यूज़ करूँगी। इसे अच्छे से जब ये ठंडा हो जाएगा तो पाउडर बना लेंगे। 20 मिनट हो गए हैं, अब हम अपनी चटनी चेक कर लेते हैं। इसे हम ऐसे प्लेट में डालेंगे और प्लेट को थोड़ा ऐसे टिल्ट करके देखेंगे। ये देखिए, चटनी नीचे नहीं गिर रही। इट मीन्स वाटर कंटेंट पूरा ड्राई हो गया है और हमारी चटनी बनके होगी ये रेडी। 1 साल तक भी ये ख़राब होने वाली नहीं है। अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई स्पाइसेस जो हमने पहले बनाए थे। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को कर देंगे बंद। तो चटनी बनने में टोटल 25 से 30 मिनट हमें लग गए हैं। तो लास्ट में हम इसमें डालेंगे किशमिश। किशमिश डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे करेंगे सर्व। ये देखिए, ये ठंडा हो गया है। बहुत ही मज़ेदार सी खट्टी मीठी मसालेदार आम की लौंजी बनके रेडी हो गई है। इसे आप चपाती के साथ, परांठे के साथ या फिर नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ बड़े मज़े के साथ इंजॉय कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल भी वाटर कंटेंट नहीं है, तो आप इसे 1 साल तक आराम से स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं।
इसको स्टोर करने के लिए प्रेफर कीजिए कि ग्लास का कंटेनर लें, उसको अच्छे से गर्म पानी से वॉश करके और सन ड्राई करके ही इसमें ठंडी की हुई चटनी स्टोर करें। ऊपर से लिड बंद करके फ्रिज में रखिए। इस आम की मज़ेदार सी लॉन्जी को बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।